हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम बनाने वाले हैं पालक के पराठे। पालक के पराठे बनाना बहुत ही आसान है। इस रेसिपी के लिए मैंने लिया है 2 कप गेहूं का आटा, 1 बंच पालक का साफ धुला हुआ, 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्चें, 1/2 कप बेसन, घी, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। सबसे पहले हम एक पतीले में 1 लीटर पानी डालेंगे। जैसे पानी गर्म हो जाए हम उसमें पालक डाल देंगे। हमें पालक को 2 से 3 मिनट के लिए पानी में बॉईल कर लेना है। जैसे हमारी पालक बॉईल हो जाए हम उसे गर्म पानी में से निकाल लेंगे। और उसे थोड़ी देर ठंडी कर लेंगे। पालक ठंडी करने के बाद हम उसे एक मिक्सी जार में डालकर उसकी एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब हम पालक के पेस्ट को एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। और उसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, अजवाइन, अदरक लहसुन का पेस्ट, बेसन, नमक स्वाद अनुसार, गेहूं का आटा और 1 चम्मच घी डालकर उसका एक अच्छा सा डो बना लेंगे। हमें इस रेसिपी में पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं लगती है। हमारा आटा पालक के पेस्ट में गूंद कर तैयार हो जाता है। अब हम डो पर थोड़ा सा घी डालकर उसे अच्छे से मसल लेंगे और उसे कम से कम 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 10 मिनट के बाद अब हम पराठे बनाना शुरू करेंगे। हम आटे की लोइयां बना लेंगे, जिस साइज का हमें पराठा चाहिए उस साइज की। अब हम पराठा बनना शुरू करेंगे। हम लोई को थोड़ा सा आटा लगाएंगे और उसे बेल लेंगे। अब हम पराठे को गर्म तवे पर सेकेंगे। जैसे ही पराठा एक साइड से लग जाए हम उसे पलट कर उसके ऊपर घी लगा देंगे। हमें पराठे को दोनों तरफ से अच्छे से सेकना है। हमारा पराठा बनकर रेडी है। अब हम ऐसे ही सारे पराठे बेल लेंगे। और उन्हें भी अच्छे से सेक लेंगे।
हमारे पराठे बनकर रेडी हैं। आप इन पराठों को किसी भी अचार, सॉस या फिर चटनी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।